वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी का फॉर्मूला। ये तीनों ही फॉर्मूले फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं जिसका यूज सभी फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंक किसी को लोन देते समय करती हैं। मान लीजिए कि आपने एक कार लोन लेना है जिसका अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, जिसका आप डाउन पेमेंट देना चाह रहे हैं 50,000, इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर 12% का और नंबर ऑफ पीरियड है आपका 3 साल का। अब आप ये जानना चाहते हैं कि महीने की आपकी किस्त कितनी होगी, हर महीने आपका ब्याज कितना लगेगा और हर महीने आपका मूल कितना जाएगा। इन तीनों को निकालने के लिए हम पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी का फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज लाते रहेंगे। अब आपको करना क्या है कि ईएमआई पे क्लिक करना है, इज इक्वल टू का यूज करना है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है पीएमटी का। पीएमटी यूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 12% और जिसको डिवाइड करेंगे आप 12 से। डिवाइड इस वजह से किया जाता है क्योंकि आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है वो साल का है, तो यानी कि हमें निकालना है महीने की किस्त, तो इस वजह से हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, जिससे ये जो हमारा जो भी अमाउंट आएगा वो महीने की किस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, यहाँ पर है NPER यानी नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल तक आप अपनी EMI देना चाह रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा, तो हमने लेना है 3 यानी 3 साल तक हम इसको देना चाह रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 12 से यानी 12 × 3 = 36 किस्तों में हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कॉमा का यूज करेंगे, इसके बाद आप लेंगे टोटल अमाउंट जो भी आप लोन ले रहे हैं, जिसमें से आप माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को कि जितना आप ऐसा आप दे रहे हैं डाउन पेमेंट के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट को करेंगे आप बंद, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो अमाउंट है वो है 14,946 रुपये 44 पैसे। ये आपकी महीने की किस्त आ गई। अब हमें ये निकालना है कि हमारी जो महीने में इंटरेस्ट रेट जाएगा वो कितना कितना जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रेट आएगा वो महीने के हिसाब से होता है, हर महीने इंटरेस्ट चेंज होता है और हर महीने आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी महीने का मूल भी चेंज होता है। RBI रूल के हिसाब से बैंक चाहती है कि उसका जो भी अमाउंट है यानी जो भी वो इंटरेस्ट आपसे ले रही है वो 6 से 8 किस्तों में यानी शुरू के 6 से 8 महीने के अंदर ही अंदर वो आपसे 50% to 70% वसूल लेना चाहती है। तो इस वजह से आपका जो हर महीने का EMI होता है उसमें आपका जो ब्याज लगता है, जो महीने का मूल होता है वो बदलता रहता है, वो आप देखेंगे अभी। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, इक्वल टू का यूज़ करना है, IPMT का आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। IPMT का फॉर्मूला लगाने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट वही आपको 12% की रेंज लेनी है, डिवाइड करना है उसी तरीके से 12 से। अब यहाँ पर यानी कौन से मंथ का आप देखना चाहते हैं ब्याज, तो उसमें वो मंथ आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ पहले महीने का ब्याज, यहाँ पर कॉमा लगाइए, इसके बाद वही NPER यानी नंबर ऑफ पीरियड ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 12 से, कॉमा यूज करिए, कॉमा यूज करने के बाद आपका जो भी अमाउंट है उसमें से माइनस कर दीजिए आप डाउन पेमेंट को, ब्रैकेट को करिए क्लोज और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपका जो इस महीने का यानी पहले महीने का जो ब्याज आया वो आया 4,500 रुपये। अब अगर आप मूल देखना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से इक्वल टू यूज करिए, PPMT का फॉर्मूला यूज करिए, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करिए, डिवाइडेड बाय 12 करिए, कॉमा यूज करने के बाद जिस महीने का आप देखना चाहते हैं मूल वो महीना यहाँ पे टाइप कर दीजिए, लाइक हमने ले लिया यहाँ पे 1, कॉमा यूज करिए, कॉमा यूज करने के बाद आपको लेना है नंबर ऑफ पीरियड, जिसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, कॉमा यूज करने के बाद जो भी आपका कार लोन अमाउंट है वो ले लीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए डाउन पेमेंट को, ब्रैकेट को करिए बंद और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका टोटल अमाउंट है वो है 14,946 रुपये 44 पैसे, आपका जो उस महीने का इंटरेस्ट है वो है 4,500 रुपये और अगर आप देखेंगे महीने का मूल तो 10,446 रुपये 44 पैसे, यानी अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा यही अमाउंट रिप्रेजेंट होगा। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर कि आप 10वें महीने का या 12वें महीने का या 15वें महीने का ब्याज देखना चाहते हैं कि कितना लगेगा, तो इस फॉर्मूले पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पर जो भी मंथ आप डालेंगे उस मंथ का आपको ब्याज दिखा देगा। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ 30वें महीने का ब्याज देखना, तो 30 पे जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा 30 लिख करके, तो आप देखेंगे 4,500 की जगह पर यहाँ 1,005 रुपये 63 पैसे हो गए, यानी हमारा अमाउंट यहाँ पर कम हो गया। और यहाँ पर अगर मैं वही चीज़ चेंज करता हूँ यानी 30 डाल करके एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका अमाउंट इंक्रीज हो गया, यानी यहाँ पर आपका महीने का मूल बढ़ गया, महीने का ब्याज कम हो गया, क्योंकि शुरू में ही बैंक ने क्या किया, स्टार्टिंग में ही आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसने महीने का ब्याज ले लिया। अब बाकी जैसे जैसे किस्तें हमारी बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ब्याज दर हमारा कम होता चला जाता है और मूल हमारा बढ़ता चला जाता है,
और स्टार्टिंग में ये अपोजिट होता है, स्टार्टिंग में हमारा ब्याज ज़्यादा होता है और मूल हमारा कम होता है। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो अमाउंट आपका सेम इसी तरीके से ही आएगा। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ जैसे ही आप कॉमा पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये जो अमाउंट था वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि ये जो आपका अमाउंट है 14,946.44, इसकी जगह पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर राउंड फिगर अमाउंट आ जाए, यानी आप चाहते हैं या तो 15,000 रुपये हो जाए या 14,000 रुपये हो जाए महीने की किस्तें, तो आप ये कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आपको फॉर्मूले में कोई छेड़खानी नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ ईएमआई को सिलेक्ट करके रखना है। ईएमआई को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे व्हाट इज़ एनालिसिस के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आप जाएंगे यहाँ पर गोल सिक के अंदर। गोल सिक के अंदर जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो अमाउंट लेना है, जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट आपको टाइप करना होगा ब्रैकेट के अंदर। तो मैं यहाँ पर अमाउंट टाइप कर देता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ 15,000 रुपये कि महीने की जो मेरी किस्तें हों वो 15,000 रुपये हों। यहाँ पर आपका चेंजिंग सेल के अंदर आप लेंगे डाउन पेमेंट की रेंज, यानी यहाँ पर अगर आपका अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तभी आपका ये अमाउंट हमारा 15,000 के अकॉर्डिंग कवरेज होगा। तो हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हुआ क्या, आपका जो अमाउंट था वो यहाँ पर आप देखेंगे 15,000 रुपये आप महीने की किस्त देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो चेंजिंग सेल डाउन पेमेंट था वो कम हो गया 48,387.42 के आसपास, यानी यहाँ पर आपको अमाउंट कम देना है जिसमें आपका यहाँ पर जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया। अगर यहाँ पर 14,000 आप रखते हैं तो ये अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाता है, यानी आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता डाउन पेमेंट के अंदर। तो यही हमारा था PMT, IPMT और PPMT का फंक्शन। अगर आपको ये शीट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।